नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता आता हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिल। आज की अपने वीडियो में मैंने एक और स्मॉल कैप यानी कि एक पैनी शेयर को लिया है, तो देख लेते हैं पैनी के शेयर का क्या डिटेल बनता है, क्या उस शेयर में हमें फ्रेश एंट्री करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर शेयर के प्राइस की बात करें तो 2 रुपये 2.5 रुपये का ये शेयर है, क्या इसमें फिर से तेजी लौट आ सकती है? क्योंकि अगर इसका ऑल टाइम हाई की बात करें तो बहुत ऊपर है। देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा विकास प्रोपेंट एंड ग्रेनाइट लिमिटेड के बारे में। अगर इस शेयर की बात करें, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। 2 रुपये 45 पैसे पर ये शेयर क्लोज हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अगर तेजी की बात करें तो 4.26% का तेजी देखने को मिला इस शेयर में, और यह शेयर अपने अपर बैंड में जाके क्लोज हुआ है। तो देख लेते हैं क्या और डिटेल बनता है। दोस्तों, अगर इसके 52 वीक हाई और लो की बात करें तो आप देखेंगे 12 नवंबर 2020 को इसने 2 रुपये का अपना लो बनाया था, और तब से यह शेयर 2 रुपये 40 पैसे, 2 रुपये 30 पैसे, 2 रुपये 20 पैसे के आसपास यानी 2 रुपये के ऊपर ही चल रहा, उसके नीचे नहीं जा रहा है। और अगर अब की बात करें तो आप देखेंगे 6 रुपये 85 पैसे जो कि 31 मार्च 2020 को बना था, उसके बाद से यह शेयर ने अपना हाई भी नहीं लगाया। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर इसमें डिलीवरी की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें 92.57% की डिलीवरी उठाई गई है, यानी कि आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि 92.57% की डिलीवरी। लोग कुछ ज़्यादा बुलिश लग रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या डिटेल और बनता है। दोस्तों, अगर इसमें बात करें क्वांटिटी की, तो 11,89,888 की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर 2.5 रुपये का शेयर है और 11 लाख से ज़्यादा यानी कि लगभग 12 लाख के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है, तो ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा इस शेयर के लिए। तो देखते हैं आगे का क्या डिटेल बनता है। अगर इनके पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो आप देखेंगे -64.44% का रिटर्न देखने को मिला है माइनस में, जबकि एक महीने की बात करें तो 11.5% के आसपास का माइनस में रिटर्न देखने को मिला है, यानी कि एक साल और एक महीने दोनों में माइनस में देखने को मिल गया है इनका रिजल्ट। अगर पी की बात करें तो 30.31 पे चल रहा है, जबकि अगर सेक्टर पी की बात करें तो आप देखेंगे -11.13 पे है, यानी आप देखेंगे सेक्टर पी से ये शेयर काफ़ी महंगे पी पे मिल रहा है। देख लेते हैं और डिटेल क्या कहता है। दोस्तों, अगर इनके मार्केट कैप की बात करें तो 120 करोड़ का मार्केट कैप है, जबकि अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 4.17% का शो कर रहा है। देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है इस कंपनी से रिलेटेड। दोस्तों, अगर इनके ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो आप देखेंगे इनका ऑल टाइम हाई बना था 1 जनवरी 2010 को, हालांकि ये BSE पे मैंने डेटा दिखा रखा है, NSE पे आप डेटा देखेंगे तो उतना लंबा आपको डेटा नहीं देखने को मिलेगा। तो पहले यह कंपनी BSE पे लिस्टेड है, उसके बाद NSE पे कन्वर्ट हुई है। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। दोस्तों, अगर हाई की बात करें तो आप देखेंगे 43.80 रुपये जो कि इनका ऑल टाइम हाई है। देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर डिटेल की बात करें तो इनके CAGR की बात कर लेते हैं, स्टॉक प्राइस CAGR की, अगर 10 साल की बात करें तो 3% का देखने को मिला है, जबकि अगर 5 साल की बात करते हैं तो 32% का रिटर्न देखने को मिला है पॉजिटिव में, 3 साल में 33, यानी कि 5 साल और 3 साल का डेटा तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन अगर 1 साल की बात करें तो -64 देखने को मिला है, यानी कि इस साल इनका डेटा कहीं ना कहीं थोड़ा सा डैमेज हुआ है, लेकिन उसके पहले की बात करें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। अगर वहीं इनके प्रॉफिट की बात करें कंपाउंडिंग प्रॉफिट की, तो आप देखेंगे कंपनी की फाइनेंस 10 साल की बात करते हैं तो -16, अगर बात करते हैं 5 साल में तो लगभग 60% का, यानी काफ़ी अच्छा डेटा है, 3 साल की बात करें तो 32% का, और जबकि अगर TTM की बात करें तो -70% का, यानी कि यही TTM की बात है जो वही कहीं ना कहीं इनके रिजल्ट को नुकसान कर रहा है या फिर नेगेटिव दिखा रहा है। अगर वही सेल्स की बात करते हैं कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की, तो आप देखेंगे -25 10 साल में, जबकि 5 साल की बात करें तो -53, अगर वहीं 3 साल की बात करें तो 31% का पॉजिटिव, अगर 1 साल की बात करते हैं TTM की तो आप देखेंगे 19% पॉजिटिव, यानी कहीं ना कहीं अगर सेल बढ़ती है तो दोस्तों प्रॉफिट भी बढ़ेगा, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है शेयर के प्राइस के दाम भी बढ़ेंगे, यानी कि ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं। देख लेते हैं और डेटा क्या देखने को मिलता है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो आप देखेंगे पिछले 10 सालों में 6% का, 5 सालों में 4% का, 3 साल में 12% और लास्ट ईयर की बात करें तो 2% का, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है। देख लेते हैं पैटर्न पर नज़र डाल लेते हैं, तो देख लेते हैं प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगा हमें इस डेटा में। अगर मार्च 2018 की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि प्रमोटर के पास हुआ करता था 6.35 का, लेकिन प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और आपने देखा इसमें मार्च 2019 आते आते प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कर ली है 22.43 का, और इस टाइम 22.06 पे चल रहा है प्रमोटर्स की होल्डिंग। अगर वही बात करें DII, तो आप देखेंगे DII बीच में इंक्लूड हुए थे लेकिन माल बेचकर वो भी निकल चुके।
चुके हैं इस शेयर्स में, यानी कि उन्हें भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट थोड़ा सा कम लग रहा है इस शेयर को लेकर, इसलिए उन्होंने अपना सारा माल बेचकर इस शेयर से एग्जिट करने का ही प्लान बनाया और निकल भी चुके हैं। लास्ट में बचता है पब्लिक। पब्लिक की बात करें तो आप देखेंगे 93% का होल्डिंग जो कि पब्लिक के पास हुआ करता था, लेकिन प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जिस हिसाब से बढ़ाई है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पब्लिक की होल्डिंग कम होती हुई दिखी है, लेकिन फिर भी पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है अभी भी, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है इस कंपनी से रिलेटेड। दोस्तों अगर चार्ट आप देखेंगे तो चार्ट में आपको लगातार गिरावट ही देखने को मिलेगा, और गिरावट भी बहुत ज़्यादा लंबा आपको देखने को नहीं मिलेगा, वही 2 रुपये 20 पैसे लास्ट जाता है, ऊपर की बात करें तो 3 रुपये 20 पैसे हाई जाता है, यानी कि यही एक रेंज है इस शेयर के लिए। अगर ये लेवल टूटता है, जैसे ही 3 रुपये 50 पैसे का लेवल अगर तोड़ता है यह शेयर, तो अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा और यह शेयर फिर से ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन 3 रुपये 50 पैसे का जब से लेवल नहीं टूटता तब तक मेरे ख्याल से इस शेयर में एग्जिट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर 2 रुपये 20 पैसे पे आप करते हुए तो 2 रुपये 30 पैसे 40 पैसे 50 पैसे मैक्सिमम, उसके बाद फिर से रिवर्स करेगा, फिर से 2 रुपये 10 पैसे तक जाएगा, फिर से वहीं तक जाएगा, यानी कि उसी रेंज में चलता रहेगा, तो कोई फायदा नहीं है। और कहीं ना कहीं यह शेयर आप देखेंगे यह अपने लोअर यानी कि जो इनके 52 वीक लो है उसी के आसपास ही चल रहा है, 2 रुपये का 52 वीक लो है, 2 रुपये 45 पैसे भी यह शेयर चल रहा है 43 पैसे पे। और अगर आप देखेंगे यह शेयर ऊपर भी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप एक्सपेक्ट भी करते हैं 2 रुपये 55 पैसे मैक्सिमम लास्ट है, इसके ऊपर जानते जाते यह शेयर फिर से रिवर्स हो जाएगा और इसका ट्रेंड नीचे चला जाएगा और यह शेयर फिर से 2 रुपये 10 पैसे 2 रुपये 20 पैसे तक पहुंच जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये रेंज में ही काम कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे शेयर्स में मेरे को नहीं लगता कि आपको एंट्री करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर शेयर धीरे ही चले लेकिन ऊपर की तरफ तो जाए इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ऊपर की तरफ तो शेयर जा ही नहीं रहा है, बार बार रिवर्स होकर नीचे ही आ जा रहा है, तो अभी आपको इसमें होल्डिंग यानी कि एक ब्रेकआउट की ज़रूरत है। जैसे वो ब्रेकआउट आता है 3 रुपये 50 पैसे का जो लेवल है, अगर ये टूटता है तो फिर 4 रुपये 5 रुपये तक का टारगेट देखने को मिलेगा, यानी कि उसके बाद अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, और जब से वो ब्रेकआउट नहीं आता तब से फ्रेश एंट्री न लें। अगर आप फंसे पड़े हैं तो होल्ड करें, क्योंकि अगर आपको कुछ ज़्यादा ही लॉस हो रहा है तो फिर एग्जिट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तब आप होल्ड करिए और टाइम दीजिए शेयर को, कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा और जब ऊपर जाएगा तो फिर आप एग्जिट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये प्लानिंग आपकी हो सकती है, बाकी अगर आपने अपनी कोई प्लानिंग सोच रखी है तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर उस पर आप लाइक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।